हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद एंटरटेनमेंट हाउस। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आज मैं आप सभी को एक नॉर्मल साड़ी से एक स्पेशल साड़ी ड्रेसिंग दिखाऊंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये विंटर का सीजन है, इसमें ओकेशन और पार्टी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि शादी, न्यू ईयर वाली पार्टी। तो इस पार्टी में आप कैसे एक नॉर्मल साड़ी को महाराष्ट्रियन साड़ी में कन्वर्ट करके पहन सकते हो, आज मैं वही आपको वीडियो में दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। इस ड्रेसिंग के लिए मैंने एक सिल्क साड़ी का यूज किया है। आप भी किसी सिल्क साड़ी से ये ड्रेसिंग करना, कॉटन साड़ी से ये ड्रेसिंग उतना अच्छा नहीं दिखेगी। इस ड्रेसिंग के लिए मैंने एक 3/4 पैंट यूज किया है। आप किसी भी जीन्स, लेगिंग्स के साथ ये ड्रेसिंग कर सकते हो। पहले मुझे साड़ी को नॉट में बांधना है। अपनी लेफ्ट साइड में थोड़ा कम फैब्रिक को छोड़ के, राइट साइड में ज़्यादा फैब्रिक को छोड़ के मुझे फ्रंट में नॉट बांधना है। ये नॉट बहुत ही टाइट होना चाहिए, क्योंकि इस नॉट के ऊपर ही पूरा साड़ी ड्रेसिंग डिपेंड करेगा। आप मुझे लेफ्ट साइड की फैब्रिक को लेकर अपनी पैरों के बीच में से निकलकर छोटा छोटा प्लीट बनाना है। अपनी साड़ी की बॉर्डर के अकॉर्डिंग छोटा छोटा प्लीट बनाना है। प्लीट को बना के उसे मैं पहले पिन से सिक्योर करूँगी और बाद में अपनी पीछे टक करूँगी, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलना। आप मुझे राइट साइड की फैब्रिक को पैरों के बीच में से निकलकर पहले मुझे पीछे ले जाना है, फिर पीछे 3-4 प्लीट करके पीछे टक कर देना है। अब मैं बाकी फैब्रिक से अपना पल्लू सेट करूंगी। अब मुझे साड़ी की बॉर्डर के अकॉर्डिंग छोटा छोटा प्लीट करना है। प्लीट को अच्छे से सेट करके उसे अपनी लेफ्ट शोल्डर में पिन से सिक्योर करना है। प्लीट को बहुत ही अच्छे से सेट करना है, क्योंकि प्लीट जितना अपनी बॉर्डर के अकॉर्डिंग होगा उतनी ही स्टाइलिश दिखेगा।
तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।